छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। मैं यहाँ क्यों सो रहा था? लड्डू बात सुनो। जी हनी बोलो। क्या 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 कहा तुमने? क्या बोलो बोलो, औकात में रह के बात करो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? और कैसे बात करूं हनी मैं आपसे? नौकर हो नौकर बन के रहो, समझे? नौकर तो मैं हूँ आपका। मेरे नहीं, पूरे इस घर के। आप जैसा चाहें, बिल्कुल पूरे घर का। एक काम करो, जल्दी से जाओ मेरे नाश्ता बनाओ, मुझे वहाँ जाना है। कहाँ जाना है आपको सवेरे सवेरे? तुमसे मतलब, तुम्हें जितना कहा है वही करो, समझे? जी। कहाँ जाना है? लगता है मूड ठीक नहीं है बेगम का, नींद सही से नहीं आई होगी, नाश्ता करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। जी आपने बुलाया, मैं दौड़ा चलाया। हाँ लड्डू देखो कुछ मेहमान आने वाले हैं हमारे घर। किस सिलसिले में? ज्यादा दिमाग खराब नहीं हो रहा तुम्हारा? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया मम्मी जी? मम्मी जी नहीं तो क्या, आपको आंटी जी कहूँ? देखो लड्डू अपने औकात में रहो, कह दिया मैंने तुम्हें। मम्मी जी मैंने क्या गलत बात कर दी? तुम्हें क्या हो गया है? भाई माना कि तुम हमारे खानदानी नौकर हो, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि तुम हमारे सर पे चढ़ जाओ। नौकर? ऐसा क्या हो गया, खानदानी नहीं हो क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन नौकर। अरे बुरा मान गए है ना, चलो तुम मेरे बेटे जैसे हो अब, ठीक है? हाँ ये ठीक है। चलो अब फौरन जाओ और पूरे घर को ना अच्छे से चमका दो। फिक्र ना करें, ऐसे चमका दूंगा मम्मी जी। हाँ ये बात, एक मिनट में अपनी औकात भूल जा। बस तो मैंने सोचा कि इतने दिनों से जिस काम का मैं इंतजार कर रहा हूँ आज वो काम हो ही जाए। वो क्या? ये बिस्किट खा लूँ एक? ये इतने दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे आप? अरे नहीं नहीं, तो मतलब है पहले पेट पूजा कर ले, बातचीत होती रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बेटा आप अपने वालदैन को नहीं लेकर आए? असल में मम्मी जी पापा पेरिस गए हुए हैं। तो मम्मी को ले आते यार भाई। अब तो मम्मी उनके पीछे जासूसी के लिए चली गई, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब मेरा एक सवाल है। ये कौन है? ये चौकीदार है आपका? हाँ नहीं 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 भाई, ये वफादार है, ये हमारा वफादार मुलाजिम है। ससुर जी। अबे काय का ससुर भाई, दिमाग खराब है तेरा? ससुर घर साफ करने के साथ साथ तिजोरी पे भी नजर है इसकी। तौबा तौबा तौबा। लड्डू क्या बदतमीजी है ये? लड्डू जाओ जाके सबके लिए चाय लेकर आओ, जाओ। हाँ भाई हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। रिश्ता? किसका रिश्ता, कौन सा रिश्ता, कहाँ का रिश्ता? तुम्हें हर बात बताना जरूरी है क्या? ये नौकर है या सरकारी नौकर है, हर बात पे सवाल करता है। चलो चाय लेके आओ जाके। भाई हम अपनी हनी की शादी इनसे कर रहे हैं। क्या? लेकिन अरे खामोश, फिल्मों के विलन, जाओ चाय लेके आओ जाके। ऐसे ऑर्डर दे रहा है, क्या करता है तू? मेरा अपना कारोबार है। किस चीज का भाई? बनाने का। बनाने का? क्या बनाने का? अलिफ से लेके बे तक और बे से लेके ये तक, सब बनाने का। लड्डू जाओ चलो चाय लेकर आओ। बिल्कुल पक्का। ये शरबत पी लेना आप। ससुर जी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या कहा तुमने? जो आपने सुना ससुर जी। ससुर जी कहने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात में रहो। 1000 रुपए मुझे मेरी औकात की याद दिला रहे? जब ऐसी हरकतें करोगे तो औकात की तो बात होगी। मैंने क्या गलत बात कर दी? मैं तो इतना ही कह रहा हूँ ना कि क्या
क्या हो रहा है ये मेरे साथ? वो ही हो रहा है जो तुम्हारी हरकतें हैं। लेकिन ससुर जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे होते हुए हनी का हाथ किसी और के हाथ में कैसे दे सकते हैं? इंसान बनो लड्डू, अपनी अपनी औकात बता दो, तुम्हारी औकात क्या? मेरी औकात 9 से 5 जुमा छुट्टी करता हूँ, आप खुश? आइंदा ऐसी घटिया बात सोचना भी मत। आप लोग ऐसी घटिया हरकत कर दे और मैं कुछ ना करूं। अबे इसमें घटिया हरकत क्या है? बेटी की शादी करना घटिया हरकत है क्या? अरे मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अबे तू तो ड्रामा है यार पूरा। आज का दिन ही बुरा है ससुर जी। लो भाई मुबारक हो, निकाह हो गया। खैर मुबारक। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। भाई ये क्या माजरा है? अरे कुछ नहीं है काजी साहब, असल में ये हमारा सरकारी मुलाजिम है, बहुत बोलता है लेकिन सुनता कोई नहीं है इसकी। अभी तक बोला सुना तो नहीं किसी ने। आप आए मेरे साथ चले। नहीं, मैंने कहा यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, बैठ जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। अबे भाई भाई संभाल इसको भाई, चलाओ आप जाइए अंकल। लड्डू मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। लड्डू मिठाई लेकर आओ मैं कहती हूँ। मम्मी जी कुछ तो रहम करे, कुछ तो खुदा का खौफ खाए, नुकसान भी हमारा और मिठाई भी हम लाए। असूल तो यही कहता है कि भाई ही सारे काम करता है। भाई मतलब हनी जी? भैया मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। क्या हनी जी? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ हो रहा है, बल्कि हो गया है, बल्कि हो गई है। शादी हो गई है तुम्हारी बहन की मेरे साथ। हाँ मतलब हो गई, हो गई शादी। लड्डू जाओ फौरन, जाओ जाके मिठाई लेकर आओ, जाओ लड्डू। अब्बा तो बहन की शादी हुई है, अब्बा तो याद आएंगे ना। अरे भाई तुम क्यों उदास हो रहे हो? हमेशा के लिए थोड़ी जा रही है तुम्हारी बहन, हनीमून पे जा रहे हैं, वापस आ जाएगी। ससुर जी, ससुर जी इनको रोके ना। फिर सुसर कहा तुमने मुझे? तो और क्या बोलूं? मालिक 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 आपको। चले जाएं ये लोग, जरा फिर बताता हूँ मैं। बात सुनो, ये पकड़ो चाबी, जाओ जाओ गाड़ी में सामान रखे हो, चलो चलो जाओ लड्डू। चाहिए ना लड्डू भाई? हाँ भाई देखकर, ऐसा ना हो कि कुछ गिर जाए। हाँ चलो चलो, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। देखा आपने, देखी मेरी तड़ी? क्या रोब है आपका, वाह यार ऐसा। क्यों कुछ निकाल? कुछ नहीं है मेरे पास। पास सुनो, देखो मेरे पास ना एक बीवी थी, वो भी सालमो ने छीन ली मुझसे। खिलाफत से निकालना या नहीं भाई? बता रहा हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाई आप लोग मुल्क से बाहर जाओगे घूमने फिरने के लिए, तफरी करने के लिए हैं? है तू हमारे साथ मजाक कर रहा है? अरे नहीं, मेरा आपका मजाक है जो मैं आपके साथ मजाक करूंगा। मैं आपको बताऊं, इस बैग के अंदर मुल्क से बाहर जाने वाले टिकट है और बहुत सारे पैसे भी हैं, आप ये ले लो। अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। अबे बाइक पे बैग कैसे लेके जाएंगे? भाई भाई गुस्सा नहीं करो, मैं बताता हूँ। भाई आप बैठो, ये रखो भाई, पहुंच के ना ख्याल से फोन मैसेज करते रहना है। अल्लाह भाई, अल्लाह। अच्छा मम्मी जी हमें इजाजत दें, हम चलते हैं अभी। ओह और तुम वापस आ गए सामान बाहर रख के? चोरी हो गया। क्या, कहाँ, कैसे? ऐसे पास सुनो, देखो मेरे पास ना एक बीवी थी, वो भी सालमो ने छीन ली मुझसे। खिलाफत से निकालना या नहीं भाई? बता रहा हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। मगर उसमें तो टिकट्स भी थे और पासपोर्ट भी, अब क्या होगा? हाय मेरी बच्ची हनीमून पे जाने से रह गई, अब क्या होगा?
अब इतना भी गमजदा होने वाली बात नहीं है बेगम। हाँ सही कह रहे हैं ये। क्यों, उसमें तो पासपोर्ट थे बच्चों। उसमें मेरा कुछ भी नहीं था, सिर्फ टिकट से सामान मैंने अपनी जेब में रखा हुआ था, समझे? उसमें नहीं था मतलब वो शनाख्ती कार्ड वगैरह। इस इंसान पे मुझे एक रुपए का एतबार नहीं, इसी वजह से मैंने सब कुछ अपने पास रखा हुआ था। देखा, समझ तो गए होगे तुम लड्डू। मगर टिकट्स? टिकट्स वो अभी कैंसिल करवा के नहीं इशू करवा लेते हैं, ये कौन सी बात है? अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो मेरे प्यारे हस्बैंड। ओए लड्डू, चल जाके शरबत लेके आ, मेरे लिए भी लेके आ और सबके लिए लेके आ। जाओ लड्डू। लड्डू अबे जाना, ऐसे नहीं मानेगा। देखा देखा आपने? अरे क्या बात है, रोब ये होता है। क्या बात है। चलो भाई मुबारक हो, आप आराम से जाओ और खुशी खुशी हनीमून मनाओ। थैंक यू मम्मी जान। ये सब कुछ हो रहा है ना, बहुत हो रहा है, और बता दूं बहुत ही हो गया। अब तू देख मेरे साथ, तेरे साथ करता क्या। बेटा बिट्टू, तू अब हनीमून पे नहीं, चार आदमियों के कंधे पे जाएगा। जानता नहीं है लड्डू को। ये शरबत क्यों नहीं लेके आया अभी तक? मुझे क्या मालूम, जो मैं दुकानदार हूँ क्या यार? ले आया ले आया। चल लड्डू आ जाओ, ये शरबत। अच्छा मुझे एक बात बताओ तफसील से कि ये डाकू आए कहाँ से थे? वो मैंने जैसे नीचे गया तो बल्कि छोड़ो मुझे। देखो ये तुम हो और ये तीन डाकू हैं, उठाओ इसे। ये तीन डाकू हैं, नहीं बल्कि ऐसा करते हैं कि ये डाकू जो है ना, ये आए हैं बाहर से और तुम खड़े थे यहाँ पे। नहीं मगर तुम तो कौन, इस तरफ खड़े थे तो ये लड्डू कौन सा इसमें से? इनमें से ये लड्डू है। डाकू मिक्स हो गए सारे यार, आप कैसे? नहीं नहीं ये लड्डू है। अरे वाह 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 भाई वाह, क्या समझाया है भाई, वाह 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 वाह। अच्छा लड्डू बड़ा परेशान है और घबराया हुआ है ना। लड्डू ये लो, ये शरबत की शॉट। मैं कैसे पी सकता हूँ? लड्डू तुम बिट्टू की बात कैसे टाल सकते हो? पियो 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 पियो। देखा आपने रोब, देखा मेरा आपने। क्या कहने आपके। क्या हुआ लड्डू? लड्डू मैं बताता हूं क्या हुआ। उठ उठ उठ। ये सब ख्वाब था, ये ख्वाब था। तू यहाँ क्या कर रहा है? जब तू फोन नहीं उठाएगा तो मुझे खुद ही आना पड़ेगा ना, इतना जरूरी काम है तुझसे। क्या जरूरी काम है? अरे रिश्ते का काम है। किसके रिश्ते का? ओ भाई ये वाकई नींद की गोलियां खा के सोया है। अरे मेरा रिश्ता, मेरे रिश्ते की बात शन्नो के घर वाले मान गए। ओए शन्नो मेरी है। हैं? नहीं मेरी तो हनी है यार। तू शन्नो कौन है? अरे तुझे बताया था मेरी होने वाली बीवी है, उसके घर वाले मान गए हैं। अब मैं समझा। अब लेकिन लड्डू इसमें करेगा क्या? अरे भाभी आप और लड्डू दोनों जा रहे हैं मेरा रिश्ता मांगने के लिए। अबे ये क्या अच्छी बात है, क्योंकि लड्डू खानदानी मांगने वाला है, बड़ी प्रैक्टिस है। अपने बारे में क्या ख्याल है? तेरे मांगने की लिस्ट निकालूं तो IMF के हेडक्वार्टर में तेरी तस्वीर लग जाए। आप हर मामले में कूदेंगे जरूर है ससुर जी।
तबियत तो ठीक है, किससे बातें कर रहे? अपने आप से बात कर रहा हूँ भाई। यार छोड़, खैर यार ये बड़ी खुशी, मैं और हनी दोनों जाएंगे तेरा रिश्ता लेके। हाँ भाभी, आपसे मुझे एक बड़ा ही जरूरी काम है, बात सुने। नहीं, वो इस वक्त अंदर लाश लाश ये लाश है, लाश कुतुबुद्दीन। कौन कुतुबुद्दीन? तुम कुतुबुद्दीन। मेरे घर चलिए और आराम कीजिए। आराम नहीं कीजिए बल्कि कयाम कीजिए। आप इस बात का शुक्र करें कि पापा बच गए। अगर सारी दुनिया में ये अकेला भी बच जाए ना, मैं तब भी शुक्र ना करूं। अगर आपकी याददाश्त ठीक है तो बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुस्तम चंगेजी है। ये हशमत है, ये उसकी बीवी है मंजूरा माई। ये बल्ला पकड़ो ताकि तुम्हारे ऊपर रंगे हाथ का केस बने। रंगे हाथ का? अच्छा अच्छा ठीक है। वो आपके रिश्तेदार और अदब आदाब। भाई अपनी अपनी किस्मत की बात है। कहाँ है, कहाँ है, कौन, कहाँ है, कहाँ है? मेरी बिल्ली। बिल्ली? अबे यार तुम बच्चे हो अपने, लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है? आप इतनी जल्दी आ गए? क्या बराबर वाले कमरे में बैठे थे? नहीं बच्चा, मैं बराबर वाली कहकशां में था। जिसकी याददाश्त चली गई है वो। तमीज से बात करें, शौहर है वो मेरे। क्या हो गया तुम्हें? अदीब है, अदब से हमारा ताल्लुक है। आपसे उर्दू में बातचीत नहीं हो सकती क्या? तुम कौन हो? मैं पुलिस हूँ। चोर कहाँ है, चोर कहाँ है? अबे इतनी प्यारी पुलिस। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मां, घर का मां, घर का मां।